जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, लोगों में राजनीति का बुखार भी चढ़ता जा रहा है। ऐसे में दर्शकों की पसंद का खास ख्याल रखते हुए रीवा दर्शन आपके लिए लाया है एक खास शो। तो आइए आपको लेकर चलते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। मौसम के साथ ही यहाँ की फिजा भी बदल चुकी है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। जो नेता जनता से भागते थे, आज उसी जनता की चौखट में जाने लगे। जगह जगह रैलियां और आम सभाएं होने लगी। ऐसे में क्या रहेगा मौसम का मिजाज और राजनीति का क्या है असर विंध्य क्षेत्र में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ मिस्टर जावेद अंसारी। नमस्कार। और एक खास मेहमान जिनको आज पहली बार हम लोग आपके सामने रूबरू कराने जा रहे हैं, जो हमारे रीवा दर्शन के करंट अफेयर एडिटर हैं, मिस्टर अनिल त्रिपाठी। नमस्कार। आइए हम बात करते हैं क्या रहेगा विंध्य क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियों का क्या फिजा, क्या यहाँ पर होगा बदलाव और क्या बदलाव देखने को मिलेगा आम जनता को। अभी हाल ही में राहुल गांधी का यहाँ पर दौरा हुआ, विंध्य क्षेत्र में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, हम जानना चाहेंगे अपने एडिटर मिस्टर जावेद जी से कैसा होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चुनाव बिल्कुल सर पर है, किसी दिन भी अधिसूचना लग सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा करा था, विंध्य की फिजा में एक पॉलिटिकल सांवा बांध दिया है। निश्चित रूप से यह तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा था, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आ रहे हैं। ऐसे में जो अभी चर्चाओं में था कि BSP कांग्रेस से समझौता करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, मतलब राहुल गांधी का यहाँ पर असर दिखा, वो जैसे 27 और 28 तारीख को उन्होंने 27 तारीख को चित्रकूट से अपनी यात्रा, संकल्प यात्रा की शुरुआत की और धीरे धीरे वो चित्रकूट से होते हुए रीवा तक पहुँचे, तो क्या लगता है कि वो इसका क्या असर देखने को मिलेगा यहाँ पर? देखिए, राहुल के दौरे से कांग्रेस का उत्साह तो बढ़ा, कांग्रेस के नेता भी उत्साहित हुए। सबसे खास बात यह थी कि कार्यकर्ता खासे उत्साहित हुए। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा, रीवा में खासतौर से बिंदी में, बिंदी की राजनीति में कांग्रेस में उठा पटक का जो दौर चालू हुआ है, वो पिछले 15 सालों से कांग्रेस को काफी नीचे तक ले गया। उसका ग्राफ काफी नीचे गिरा, लेकिन राहुल के आने से निश्चित तौर पर ग्राफ बढ़ा है। इस ग्राफ को कांग्रेस कितना बनाए रखती है? मैं नहीं, आपको बता दूं कि काफी अरसे बाद ऐसा देखा गया कि कांग्रेस में जो कई गुटों की अपन बात करते थे, वो इस बार गुट नहीं देखे। बिल्कुल, जैसा कि तिवारी जी का गुट था और राहुल जी सभी एक साथ जो है यहाँ पर देखने को मिले। नहीं, गुटबाजी तो इस बार देखने को नहीं मिली, लेकिन ये बरकरार रहनी चाहिए ना लगातार चुनाव तक। चुनाव के दिन तक अगर गुटबाजी नहीं दिखाई देती है, तब तो कांग्रेस गेन करेगी। अगर गुटबाजी बाद में पनपी, तब उसकी हालत पहले जैसी हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मैसेज किया है, सारे नेताओं को मैसेज किया है, एक साथ रहने का, एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया है, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस गेनिंग पोजीशन पे आएगी। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। उन्होंने एक आम जन से, एक आम नागरिकों से भी मुलाकातें की और लोगों से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ये भले ही स्टैंड रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो लोगों से रूबरू होते रहे, उनकी काफिले में लोग मिलते रहे। मैं आपको बता दूं, बहुत अरसे बाद ऐसा कोई नेता देखा गया जिसने डायरेक्ट पब्लिक से डायरेक्ट सीधे बातचीत की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई लोगों से नाम लेके पूछा, आपका नाम क्या है, और फिर उनसे बातचीत की। तो ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी आम आदमी से जुड़ने के लिए इस बार तैयार दिख रही है। अनिल जी, अभी जैसा कि चित्रकूट से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की और चित्रकूट में दर्शन करने के बाद इन्होंने राम पथ गमन यात्रा की भी शुरुआत कर दी। अभी देखा होगा आपने कि कल से राम पथ गमन यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है। तो मतलब पहले शिव भक्त, अब राम भक्त, क्या जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं राहुल? नहीं नहीं, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी में परिपक्वता जो है अब आ चुकी है। दूसरी चीज, वो जनमानस से सीधे जुड़ना चाह रहे हैं। जो पहले कुछ दिनों पहले तक वो स्थितियां नहीं थी,
और आज की तारीख में राहुल गांधी ने व्यक्तिगत अपने संवाद जनमानस के साथ शुरू किए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ेगा, स्वाभाविक है। और विंध्य क्षेत्र में हम आपको बता दें 31 सीटों में पिछली बार भी कांग्रेस को यहाँ पे 12 सीटें यहाँ पे हैं, रीवा सतना सीधी सिंगरौली में शहडोल को भी अगर जोड़ लें तो 12 सीटें हमारे पास मतलब कांग्रेस के पास थी। तो जो स्थितियां बन रही हैं निश्चित तौर पे ग्राफ जो है कांग्रेस का बढ़ा है, बढ़ा। पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती होने के चलते बहुजन का भी यहाँ पर वोट बैंक जिस तरह से देखने को मिला पिछले चुनावों में, उनको काफी बहुतायत वोट मिले और दूसरी पोजीशन कई जगह बिल्कुल विजय जी। मैं क्या लगता है कि आपको बता दूं कि अभी कल तक ये काफी तेजी से बातचीत थी कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़े। कल मायावती जी ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि हम किसी से समझौता करने नहीं जा रहे। वो शायद उनको ऐसा लगा कि उनको जो 6% वोट मध्य प्रदेश में मिलते थे जिससे उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कैडर का जो स्तर था वो बरकरार रहता, कांग्रेस से समझौता करके उनको उतनी सीटें ना मिलती, राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा खत्म हो जाता, शायद इसके पीछे ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि मायावती जी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह नहीं चाहते कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आए। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है, उन्होंने दिग्विजय सिंह को तो सामने रखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्दे के पीछे की कहानी राष्ट्रीय पार्टी का पद बरकरार रखने का है। 6% वोट कांग्रेस से समझौता करके उनको 20 से 30 सीटें मिलती, 30 सीटों में उनको 6% वोट नहीं मिलते तो राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा उनका खत्म होता, उनकी पहली प्रायोरिटी राष्ट्रीय पार्टी बने रहना, बरकरार। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अनिल जी आपने देखा कि राहुल गांधी की सभा होने के पहले ही मायावती जी ने यहाँ की 4 सीटों की घोषणा कर दी और अपने प्रत्याशी भी उतार दिए, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अगर पिछला बैकग्राउंड देखिए आप मायावती जी का, तो मायावती जी किसी से भी गठबंधन कर सकती हैं, किसी से गठबंधन तोड़ सकती हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि राजनीति में मायावती जी कितना कब कहां पलट जाए, ये मेरा मानना है जी। बिल्कुल, तो अभी उन्होंने गठबंधन की घोषणा की थी, कहा था कि हम मध्य प्रदेश में गठबंधन करेंगे, सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। जहां तक अखबारों से मैंने देखा है वो 100 सीट 80 सीट मांग रही है, कांग्रेस वो सीटें दे पाने की स्थिति में नहीं थी, वो देना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि वो कांग्रेस भी मानती है कि 20 से 25 सीटों पर बीएसपी का असर है, लेकिन 80 सीटों पर असर नहीं मानती कांग्रेस, इसलिए उस गठबंधन से वो बिल्कुल किनारा रखना चाहती है। और मायावती जी अपने मतलब बीएसपी को बढ़ाने के लिए, और जहां तक जावेद जी ने बोला 6% वोट बरकरार रखने के लिए, फिर अगला समझौता देखिएगा। मैं अभी बता रहा हूं कि अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ी या भाजपा की सीटें घटी तो वो दोनों ऑप्शन बना के रखे हुए हैं, जिसकी सीटें घटेंगी हम उस पर किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि इसका असर विधानसभा बनने के बाद जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, सीटें तय हो जाएंगी किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, उसके बाद जैसा कर्नाटक में हुआ है उस तरीके की भूमिका में क्या मायावती नजर आएंगी? देखिए जावेद जी, ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट का मैदान और राजनीति के मैदान में कब कहां चला जाएगा। मायावती जी किसी जमाने में कलराज मिश्र के हाथों में राखियां बांधती थी, फिर उसी कलराज मिश्र जी को गालियां भी देते सुना है, काफी कुछ बवाल हुआ है उस मामले में। मुझे लेकिन मायावती जी को लग रहा कि विंध्य क्षेत्र में वो फिर से एक बार यहाँ पर उतर कर आ सकती है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि रीवा में पहला सांसद रीवा से हुआ, पहला विधायक भी विंध्य क्षेत्र में पहला विधायक रीवा से ही हुआ। उसके बाद एक समय था 93 में 3 सीटें बीएसपी की थी, 98 में 4 सीटें बीएसपी की आ गई। तो देखिए राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव चलता रहता है, भाजपा भी बीएसपी से डरी हुई है, कांग्रेस भी बीएसपी से डरी हुई है, और कांग्रेस इस समय उसमें अपने आप को मान रही है राहुल गांधी के आने के बाद से हमारी स्थितियां सुदृढ़ हुई हैं। और मध्य प्रदेश में कई दौरे भी होने वाले हैं, जैसे अभी ग्वालियर का दौरा है आने वाले दिनों में, और जिसके बाद शहडोल का दौरा भी कैंसिल हुआ है, लेकिन जो स्थितियां बन रही है कांग्रेस ही इस समय उत्साहित जरूर है जी। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बहुजन दोनों सीट को लेकर असमंजस की स्थिति में है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर चुटकियां ले रही हैं कि क्या है, इसको किस नजरिए से देखेंगे आप लोग? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो इस समय शिखर पर अभी तक थी, 15 सालों शिखर पर है,
भाजपा के लोग अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि जनता उनके साथ है, ये तो वक्त बताएगा जनता किसके साथ रहेगी किसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन भाजपा आत्मविश्वास के साथ चल रही है, भाजपा के नेता लगातार आत्मविश्वास के साथ ये मान के बैठे हैं कि हम चौथी बार सरकार बनाएंगे। उन्होंने तो नारा भी दे दिया है अब की बार 205। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये देखिए वाकई ये बड़ी बात तो एक तरीके से है कि 15 साल भाजपा की सरकार यहाँ पर है, फिर भी सत्ता के खिलाफ सरकार के खिलाफ उतना रोष नहीं है जितना अमूमन आमतौर पर देखा जाता है। दिग्विजय सिंह के समय में जितना कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, इस बार 15 साल बाद भी शिवराज के खिलाफ उतना माहौल तो दिख नहीं रहा। देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, जो मेरा नजरिया है कि शिवराज सरकार के खिलाफ ऐसा कोई वातावरण नहीं बन पा रहा है, लेकिन सत्ता जब किसी की भी रहती है तो जनता जो है कुछ ना कुछ तो परसेंटेज निश्चित तौर पे वो अलग दृष्टिकोण अपनाने लगता है कि अब इनको देखें अब इनको देखें, इनको बहुत दिन से देख रहे हैं। दर्शकों को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी जो उपचुनाव हुआ था चित्रकूट, जहाँ से राहुल गांधी ने अपने संकल्प यात्रा की शुरुआत की, वहाँ पर उपचुनाव हुआ और वहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों तक डेरा जमा के रखे थे और पूरी कैबिनेट वहाँ पर थी। क्या लगता है कि पूरी कैबिनेट होना और चुनाव हार जाना और राहुल गांधी की वहां से राम पथ गमन यात्रा की शुरुआत करना, बिल्कुल ये विंध में किस तरह की लहर बनाना चाहिए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल आपका कथन सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं उपचुनाव में राहुल गांधी आए थे क्या? नहीं आए थे, केवल लोकल नेताओं ने उस चुनाव को लड़ा। मैं यहाँ पर कहूंगा अजय सिंह राहुल जी को, राजेंद्र सिंह जी को, सुंदर लाल तिवारी जी को, ये 3 नेता, और फिर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, ये लोग एक एक दो दो मीटिंग्स दिए, बाकी लगातार तो यही लोग थे। तो ये चुनाव एकजुटता के साथ लड़ा गए, वहाँ कांग्रेस की पहले विधायक कांग्रेस के ही थे, माहौल उनके खिलाफ भी नहीं था प्रेम सिंह जी के खिलाफ। निश्चित रूप से अनिल जी आपका कहना यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है कि मध्यावधि चुनाव जो होता है वो सत्ता के साथ जाता है, सत्ता के साथ जाता है। पहली बार या बहुत अरसे बाद ऐसा देख गया कि वो सत्ता के खिलाफ गया, निश्चित रूप से ऐसा कुछ तो लगा कि सरकार, और इस बार ऐसा कोई वो भी नहीं है, माहौल भी नहीं, ना ऐसा कोई मुद्दा है जिसके दम पर सरकार इस बार चुनाव लड़े। निश्चित रूप से लोकल लेवल के जो भी मुद्दे होंगे ये चुनाव उसी आधार पर लड़ा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शक ने देखा है, पहले भी हम लोगों ने दिखाया कि जिस तरह से राहुल गांधी की सभाएं यहाँ पर हुई और उनके जगह जगह पर स्वागत करने के लिए कांग्रेसी एकजुट हुए, सभी गुटों के एक साथ नजर आए और एक जो यहाँ पर भूचाल लाने वाली स्थित बनी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी जो लंबे समय से कांग्रेस से दूर थे और उनकी एंट्री एकदम से कांग्रेस पार्टी में हो गई। निश्चित रूप से देखिए महाराज पुष्पराज सिंह का विंध में प्रभाव तो है, व्यक्तिगत उनके पूरे विंध में कुछ न कुछ हर विधानसभा में वोट है। कांग्रेस की तरफ जाना, कांग्रेस से उनका झुकाव, थोड़ा सा कांग्रेस को इस बार फायदे में तो दिखाई देगा। अब इसका कितना असर होता है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्या लगता है कि इसमें राहुल, अजय सिंह राहुल या फिर रीवा जिले के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का लाने में हाथ है? बिल्कुल रूप से, निश्चित रूप से। नहीं नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, लगातार पिछले 6 महीने से प्रयास ऊपरी लेवल से प्रदेश हाईकमान से चल रहा था और अभी देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष अपने आ गए कांग्रेस में, कई जिला पंचायत सदस्य जो भाजपा से जुड़े हुए थे वो भी कांग्रेस की डोर में शामिल हो गए, इसके बाद महाराज पुष्पराज सिंह आ गए, तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ेगा। और राहुल जी के हाथों सदस्यता ली उन्होंने, राहुल जी खुद जाना चाह रहे थे वहाँ लेकिन संयोग बस नहीं जा पाए तो पुष्पराज सिंह जी जाके सदस्यता लिए। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी ने जोश तो भर दिया है विजय जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल कड़वी सच्चाई है और इसी का जो क्या कह सकते हैं उसको परिणाम कह सकते हैं या शक्ति परीक्षण शक्ति के रूप में देख सकते हैं। दर्शकों को मैं यहाँ पर ये चीज बता दूं, जो नए दर्शक हैं शायद उनको भूल गया होगा या उनके नॉलेज में ना होगा कि रीवा में पुष्पराज सिंह कभी विधायक हुआ करते थे और उनका प्रभाव था और उनको 2003 में यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हराया और उसके बाद लगातार वो पुष्पराज सिंह जी
सत्ता से दूर होते चले गए और अब फिर एंट्री हो रही, प्रयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिर एक बार विधानसभा चुनाव में आपके बीच होंगे। निश्चित रूप से पुष्पराज सिंह जी की कांग्रेस में एंट्री, लोकल राजनीति में वापसी, ये तो तय करती है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब उसका कितना परिणाम होगा, आपका ये पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लगातार दर्शकों से आगे भी बात करते रहेंगे। इस मुद्दे पर हम लोग लगातार नज़र रखेंगे और लगातार जनता से, अभी तो अपन स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, निकट भविष्य में हम लोग जनता के बीच में भी जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जैसा भी रूप होगा वो आगे आने वाले समय में हम लोग दिखाएंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि यह कार्यक्रम हमारा, ये पब्लिक है, सब जानती है, एक आम आदमी के लिए, एक पब्लिक के लिए पूरा निर्धारित किया गया है, तो इसमें हमें आप लोगों के ही सुझाव चाहिए, दर्शकों के सुझाव चाहिए, यह प्रोग्राम कैसा होना चाहिए और आपको कैसा लगा यह बताना हमें ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।